हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी मंत्रा। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे इजी DIYs, होम डेकोर आइडियाज़ और किचन रिलेटेड वीडियोस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ये क्यूट सी ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक वाइट चार्ट पेपर और उसका साइज है 15x22 inches, और एक पेंसिल से इस पर मैंने ये पपी का पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। रेफरेंस इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इमेज मैंने गूगल से ली थी। हुआ क्या था, मेरे बेटे के स्कूल में शो एंड टेल एक्टिविटी थी जहाँ बच्चों को अपने फेवरेट एनिमल के बारे में कुछ बताना था और शो भी करना था। मेरे बेटे ने पपी सेलेक्ट किया, तो फिर मैंने सोचा पपी के लिए एक ड्रेस बना देते हैं और एक हेड गियर। आप सेम प्रोसेस से बहुत सारे प्रॉप्स बना सकते हैं। आजकल सभी स्कूल्स में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। चलिए आउटलाइन कर लेते हैं। इसके बाद डॉग के ऊपर मुझे कुछ स्पॉट्स बनाने थे, तो मैंने 4-5 शेप्स के स्पॉट्स कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करके कट कर लिए और हम इन्हें यूज़ करेंगे एज स्टेंसिल्स। चार्ट पेपर पर रखकर ट्रेस कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद पपी की बॉडी पर अरेंज कर लेंगे और वाइट ग्लू से चिपका लेंगे। बस अब नोज़ बनाने के लिए मैंने लिया एक फर का पीस। ये मेरे पास बहुत पहले से बहुत ही पुराना है, रखा हुआ था। आप चाहें तो पिंक या रेड कलर का पेपर भी चिपका सकते हैं या कलर भी कर सकते हैं। माउथ बनाने के लिए मैंने ब्लैक फूल चिपका दी और उसके बाद यहाँ पर चिपकाई मैंने कॉटन। बहुत ही सुंदर 3D इफ़ेक्ट आया ये सब लगाने से। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप नहीं लगाना चाहते तो सिंपल कलर्स भी कर सकते हैं। बस अब लगा लेते हैं एक रेड रिबन और एक फ्लावर। और पप्पी रेडी हो गया। अब हम सिंगल पंचर से होल कर लेंगे रिबन लगाने के लिए, जिससे हम उसको बेबी की बॉडी पर टाई कर सकें।
रिबन को पीछे की तरफ से सिक्योर कर लेंगे। चलिए अब हेड गियर बना लेते हैं। सबसे पहले हम हेड का मेजरमेंट ले लेंगे। फिर मेजरमेंट के हिसाब से चार्ट पेपर से एक रेक्टेंगुलर पीस कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्चुअल मेजरमेंट से थोड़ा बड़ा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 5x21 inches का लिया है, क्योंकि बाद में थोड़ी एक्स्ट्रा हमें कटिंग भी करनी पड़ेगी। चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं। बस मैंने अपने हिसाब से हेड गियर पर कुछ पपी के फुटप्रिंट्स, बोन्स ये सब बना लिए और लिख दी पपी की एक साउंड वूफ। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप देख ही रहे होंगे। रेडी हो गया हमारा हेड गियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप तारीफ़ करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो कुछ सीखने का मौका, इसलिए बताइएगा ज़रूर, मैं वेट करूँगी। चलिए बढ़ते हैं फाइनल लुक की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।